हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एडिटर सैम। भाई आप सब कैसे हो? आशा तो आप सब बच्चे होंगे। तो भाई आपको पता ही होगा, आपका भाई एक भी वीडियो अपलोड इधर नहीं कर रहा था 2-3 हफ्ते से, तो उसके लिए आपका भाई आपसे दिल से माफ़ी मांगता है। तो भाई आज से आपका भाई आपको डेली एक नया कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला है। तो भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन ऑल कर देना। तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि आप पहले जितना सपोर्ट करोगे तो आपका भाई डेली एक कॉन्सेप्ट नया नया लेकर आएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो नहीं किया हो तो स्क्रीन पर शो कर रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो PNG एंड बैकग्राउंड का लिंक तो मिल ही जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। गाइज आपने क्या करना है, सबसे पहले पिक्सट एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और ये बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा, इसे ओपन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। इसके बाद ऐड फोटो में जाना है और यहाँ से आपको अपना एक मॉडल चूज़ कर लेना है। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड इरेज करना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू इरेज बैकग्राउंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, फ्लिप एंड रोटेट में क्लिक करना है और मॉडल को राइट साइड में फेस कर देना है। ओके, इसके बाद इरेजर में जाना है और इसका जो हार्डनेस है उसको कम करेंगे और जूम करेंगे पैरों के पास और इसको इरेज कर देंगे, ताकि ऐसा लगे कि हमारा जो मॉडल है वो घास के मैदान के बीच में। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऐड फोटो में जाना है और यहाँ से आपको ले लेना है एक की, यानी एक चाबी। बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है, रात के 2:06 हो रहे हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, जूम करना है फ़ोटो को और उसको थोड़ा सा हार्ट के पास यानी पीछे की तरफ से जो पीठ है उस तरफ से हमें चाबी को लगा देना है। इसके बाद एडजस्टमेंट में जाएंगे और इसको थोड़ा सा कलर करेक्शन करेंगे, यानी कि हमारा जो सैचुरेशन उसको कम करेंगे पूरा, और इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, ब्राइटनेस को कम करेंगे और थोड़ा सा क्लियरिटी बढ़ा लेंगे। ओके, जिससे ये फोटो के साथ पूरी तरह से मैच हो जाएगा, मतलब बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाएगा। इसके बाद आपको लेयर में जाके इसको मूव डाउन करना है, जिससे ये फोटो के पीछे चला जाएगा, और हार्डनेस फुल करके एक्स्ट्रा पार्ट्स को इरेज कर लेना है, जैसे ऐसा लगे कि ये मेरा जो चाबी है पीठ की तरफ लगा हुआ है लेकिन कंट्रोल दिल को कर रहा है। ओके, इसके बाद आपको इस फोटो को क्या करना है, डन कर देना है। इसके बाद फिर से जाना है ऐड फोटो में और यहाँ से हमें लेना है ये चेन का एक PNG। तो ये जो चेन है मैं इसको फ्लिप एंड रोटेट कर लेता हूँ, ताकि ऐसा लगे कि मैं हाथ में इसको पकड़ा हुआ हूँ। अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ओके, कि हाथ के पास सही से बैठा है, यानी मैं इसको अच्छे से परफेक्टली यहाँ पर बैठा देता हूँ। ओके, अब हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा पार्ट्स को इरेज कर लेना है। ठीक है, तो मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये रहा, इरेजर में जाऊँगा और यहाँ पर क्या करना है, इरेजर का हार्डनेस फुल कर देना है। ओके, साइज़ अपने आप अपना हिसाब से रखिए, जितने में भी आप एडजस्टेबल हों, 30, 40, 50, जो भी आपको एडजस्टेबल रिन्यूएबल लगे वो आप रखिए। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से ऐड फोटो में जाना है और यही जो हम लोगों ने PNG यूज़ किया इसका ब्लर वर्जन, ठीक है, ब्लर वाला PNG मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से सेट कर देता हूँ, ताकि ऐसा लगे कि ये जो चेन है घूम कर पूरी तरह से कैमरे के पास आई है, यानी कि ये फोटो जहाँ से लिया गया है उस कैमरे के पास आई है, कुछ इस तरह का लुक हमें देना है। फाइन, तो काफ़ी अमेजिंग सा लुक आ चुका है फोटो में। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, फिर से ऐड फोटो में जाना है आपको और यहाँ से आपको कौवा ले लेना है, यानी कि क्रो, एक कौवा को ले लेंगे हम लोग और इससे हम लोग चाबी के ठीक ऊपर में बैठाएंगे। एक बंदे ने कमेंट भी किया था कि भाई चाबी जो है वो दिल शेप यानी हार्ट शेप में होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट मुझे इसका आइडिया नहीं आया, अगर आता तो ज़रूर बनाता, मैं कोशिश ज़रूर करता इस चीज़ के लिए। अब मैं कौवे को थोड़ा मैनिपुलेट कर लेता हूँ, ये ये शेडो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ताकि ये थोड़ा सा मूनलाइट के इफेक्ट में आ जाए। ओके, फाइन, और कुछ तो करने की ज़रूरत नहीं है मुझे अभी। ओके, तो ये फोटो एडिटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, बस सिंपली क्या करना है कि आपको जाना है ड्रॉ टूल में और ड्रॉ टूल में जाकर फोटो को कर लेना है सेव। बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है, आई डोंट नो कि रात भर रुकेगी या नहीं। इसके बाद आपको लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, तो ये रहा हमारा लाइट रूम एप्लीकेशन। यहाँ पर थोड़ा सा कलर करेक्शन करना है लेकिन काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। आपको सिंपली जाना है प्रीसेट में, यहाँ पर क्रिएटिव नेम का एक फोल्डर होगा जिसमें 10 प्रीसेट मौजूद है। ओके, तो सेकंड वाला जो प्रीसेट होगा कूल लाइट, आपको सिर्फ इसलिए टैप करना है। ओके, टैप करते ही देखिए कि पूरा का पूरा इसका रंगत चेंज हो गया, यानी कि पूरा का पूरा लुक चेंज हो गया, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। ओके, बहुत डरावना रात लग रहा है ये। अब इसके बाद आपको सेलेक्टिव टूल में जाना है और यहाँ से आपको ले लेना है सर्कल। ओके, सर्कल को लेकर आपको ठीक मून के पास में सेट करना है, थोड़ा सा बड़ा भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल मून के शेप में ले, थोड़ा सा बड़ा भी ले सकते हैं। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी हाईलाइट जो है उसे हमें कम कर देनी है, जिससे हमें क्या होगा कि जो मून में जो धब्बे हैं, जो दाग है वो नज़र आए, थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा देंगे जिससे हमें थोड़ा सा ब्राइटनेस मिल जाए, और ब्लैक्स को कम कर देंगे जिससे थोड़ा गड्ढा और क्लियरली नज़र आए। इसके बाद आपको इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना है, तो कलर में इसका कलर हम लोग ब्लू के पास में ही रखेंगे, करीब आपको रखना है, ह्यू को मैं सेट करता हूँ करीब 237 और सैचुरेशन होगा 34। ओके, इस तरह का सेटिंग्स आप रखें, तो आप देख सकते हैं पहले फ़ोटो कैसी थी,
बहुत अमेजिंग लग रही है अभी। अब आपको क्या करना है, फिर से सेलेक्टिव टूल में जाना है, इस बार रेक्टेंगल लेंगे। ओके, नीचे का जो पोर्शन है उसे हमें डार्क रखना है। डार्क रखना ज़रूरी इसलिए क्योंकि जो मोस्टली मून लाइट में क्या होता है कि नीचे का जो सर्फेस होता है उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है। ओके, तो हमें यहाँ पर इसका एक्सपोजर कम कर देना है, हाईलाइट थोड़ा सा बढ़ा देना है और ब्लैक्स को थोड़ा कम कर देना है, जिससे ये क्या होगा थोड़ा ब्लैक नज़र आएगा। फाइन, अब आपको क्या करना है ये कि हमें नॉर्मली लाइट में जाना है, यहाँ पर हमें इसका एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा लेना है, कॉन्ट्रास्ट को कम कर लेना है और कुछ तो नहीं है। लाइट में देख लेते एक बार क्या है, लाइट में भी कुछ नहीं है चेंज करने के लिए। अब आप लोग इफेक्ट में चलते हैं, क्लैरिटी बढ़ा लेते हैं और इसके बाद थोड़ा सा डीएस बढ़ा लेते हैं जिससे और थोड़ा डार्कनेस आ जाए, और विग्नेट को कम करेंगे साइड साइड का सरल मोशन यूज़ करने के लिए। फाइन, अब इसके बाद आपको करना है कि शार्पनेस जो है उसको थोड़ा और बढ़ा लेंगे करीब 57-58 के पास, थोड़ा सा नॉइस रिडक्शन ऐड करेंगे और थोड़ा सा कलर नॉइस रिडक्शन ऐड कर लेंगे। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि फ़ोटो कैसी थी। ओके, तो अब देखिए ये फ़ोटो पहले ऐसी थी और बिल्कुल जान आ चुकी है फ़ोटो में। आई होप आप लोगों को ये फोटो एडिटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो क्योंकि वहाँ पर मैं न्यू टिप्स देते रहता हूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।